तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें बेसिकली क्या कहते हैं कि अब कहता है पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया गया अर्थ के सरफेस से, तो ये अर्थ है और इसके सरफेस से, ये अर्थ है और इसके सरफेस से किसी पार्टिकल को मैं वर्टिकली, ये पार्टिकल है, कुछ स्पीड भी से मैं ऊपर फेंक दिया। तो जब मैं इसको भी स्पीड से ऊपर फेंक दिया तो ये यहाँ पर कहीं पे जाएगा जहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये वाली जो हाइट है डॉट डॉट डॉट, ये दिस हाइट, ये हाइट की वैल्यू कितनी होगी भाई, यही हमें कैलकुलेशन में निकालनी है। तो देखो ये जो पॉइंट ए है, यहाँ जब पार्टिकल यहाँ था तो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी पर जब पार्टिकल है तो भाई ये अर्थ है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, पार्टिकल का मास एम है, तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी, और ए और बी पर मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी। तो ए पर अगर मैकेनिकल एनर्जी देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ जी एम इज इक्वल टू रेडियस आर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी वी का स्क्वायर, प्लस बी पर मैकेनिकल एनर्जी देखोगे तो काइनेटिक को दो गया जीरो और पोटेंशियल आ जाएगा माइनस जी एम एम और आर प्लस एच, ये वाली। तो फाइंड द इनिशियल स्पीड, तो ये वाली जो है मैक्सिमम हाइट आर की, ये जो हाइट है वो भी यहाँ पर जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है 6400 किलोमीटर। तो ये जो है अब बेसिकली मुझे कितने हाइट से फेंकना पड़ेगा इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो काट देते हैं जो कटता है उसको, एम एम यहाँ से कट गया और टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, तो टू से मल्टीप्लाई कर दें और एम से काट दें, तो यह आ जाएगा माइनस टू जी कैपिटल एम ओवर आर, और यह आ जाएगा माइनस टू प्लस टू जी एम ओवर आर प्लस एच, और यह आ जाएगा वी का स्क्वायर, ठीक है। तो उसको मैं इधर लाया और ये माइनस बी का स्क्वायर, इसको मैं इधर ले गया। अब आर प्लस एच आपस में बराबर है तो माइनस टू जी एम ओवर आर, और ये आ जाएगा प्लस टू जी एम ओवर टू आर, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया और ये आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ से तुम देखोगे तो ये आ जाएगा जी एम ओवर जी एम माइनस जी एम ओवर आर, और ये माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो जो बी का स्क्वायर है वो जी एम ओवर आर के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से तुम देखोगे तो हाँ बेसिकली आर और एच बराबर है, और ये टू और एच आर एच, तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा भाई, तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹¹ और मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻²¹ हमें पहले ही ले लेना है। डिवाइड कर दूँ यहाँ से तो डिवाइड कर दूँ रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ अगर तुम देखोगे तो ये 64 किलोमीटर × 10³, और ये सब कुछ अंडर रूट यार, ठीक है। तो ये सब कुछ अंडर रूट रहेगा। तो अब बेसिकली जब इसको सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेट करोगे, तो ये जो स्पीड आ जाती है 7.9 किलोमीटर/सेकेंड आती है। तो ये जो स्पीड है, अगर इतनी स्पीड से फेंकोगे तो जो हाइट अटेंड होगी, ये जो हाइट अटेंड होगी वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी। तो आई होप ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों।